मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा आज से अर्थात 5 मार्च 2023 से मध्य प्रदेश में एक नई योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023। इस योजना के संबंध में अनेक जिज्ञासाएं हैं और साथ ही साथ जानकारी की कमी को दूर करने के लिए एक श्रृंखला इस चैनल पर प्रारंभ की जा रही है, जिसके माध्यम से छोटे छोटे वीडियो के द्वारा हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। आज के इस वीडियो में हम यह बताने जा रहे हैं कि क्या इस योजना का लाभ अविवाहित महिलाओं को भी मिल सकेगा। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए कि यह योजना अविवाहित महिलाओं या अविवाहित लड़कियों के लिए नहीं है। इस योजना का लाभ केवल विवाहित महिलाओं को ही प्राप्त होगा। हाँ, ये जरूर है कि विवाहित महिलाओं के अंतर्गत विधवा स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है। ऐसी स्त्रियों को भी शामिल किया गया है जिनका विवाह के पश्चात तलाक हो गया है, या फिर ऐसी स्त्रियां भी इसमें सम्मिलित रहेंगी जिनका विवाह के पश्चात पति के द्वारा परित्याग कर दिया गया अर्थात परित्यक्ता स्त्री है। तो पुनः सुन लीजिए कि इस योजना का लाभ अविवाहित लड़कियों को प्राप्त नहीं होगा, बल्कि इसका लाभ केवल विवाहित महिलाओं को मिलेगा, जिसमें विवाहित स्त्री जो अभी अपने ससुराल में अपने पति और पति के परिजनों के साथ रह रही है, या फिर डिवोर्स हो गया है वह, या फिर परित्यक्ता है, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त होगा। तो आशा है कि आपको यह जानकारी काम की लगेगी और इसका लाभ आप उठा सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि चैनल पर इसकी श्रृंखला निरंतर जारी रहे, तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप यह बात अपनी बताइए। मुझे यह महत्वपूर्ण बात आपके साथ साझा करने का अवसर मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।